प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ पटना में 23 जून को बैठक हुई थी। वहीं बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी। 23 जून को पटना बैठक में विपक्षी दलों ने एक होकर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को चुनौती देने पर आखिरी सहमति बना ली। 12 जून को शिमला बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद गठबंधन के नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वेनर के नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन शिमला बैठक के पहले ही गठबंधन के नए नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वेनर के नाम की चर्चा तेज हो गई है। पटना बैठक में ही गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने गठबंधन के नाम और उसके सहयोगी को लेकर एक संकेत दे दिया था। यदि किसी विपक्षी दल को इस पर आपत्ति न हुई तो शिमला बैठक के बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। बता दें कि पटना बैठक में शामिल विपक्षी दलों के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने इशारा किया कि सत्तारूढ़ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने विपक्ष अपने गठबंधन को पीडीए का नाम दे सकता है। इस पीडीए का विस्तार पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस को हो सकता है। इसमें पैट्रियोटिक शब्द जोड़कर विपक्ष यह बताने की कोशिश कर सकता है कि वे भाजपा से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी है। चूंकि भाजपा अपने राष्ट्रवादी मुद्दे के सहारे ही विपक्ष के कई दलों को घेरती रही है, वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा देशभक्त करार देने की कोशिश भी करती है। साथ ही वह नरेंद्र मोदी को राष्ट्रभक्त नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रहती है। यही कारण है कि पैट्रियोटिक शब्द को जोड़कर इसके सहारे भाजपा के राष्ट्रभक्त वाले फैक्टर का समाधान पेश किया जा सकता है। दरअसल सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द को लोगों के सामने रखा था। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण के सहारे बीजेपी का मुकाबला करने की बात कही थी। अखिलेश ने इशारों इशारों में पटना बैठक में भी इस शब्द को उछाल दिया था, लेकिन गठबंधन के सहयोगी की राय है कि ऐसा कोई शब्द गठबंधन के नाम के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिससे जातिवादी संकेत मिलते रहे। यही कारण है कि संक्षिप्त नाम पीडीए पर कोई नेताओं ने सहमति दे दी है, लेकिन इसके विस्तार के रूप में राष्ट्रवादी शब्दों को जोड़ दिया गया है। एक नेता ने पीडीए को पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम देने का सुझाव दिया है। यदि कोई दूसरा मजबूत विकल्प सामने नहीं रखा गया तो इस पर आखिरी सहमति बन सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपीए नाम पर सहमति क्यों नहीं बनी। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई में बने यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने भाजपा को सफलतापूर्वक टक्कर देने और 10 साल केंद्र में सरकार चलाने का काम किया था, लेकिन गठबंधन दल के कई सहयोगी इस नाम पर इकट्ठा होने के लिए सहमत नहीं हुए। उनका तर्क है इस नाम पर गठबंधन में आने का अर्थ पहले से ही कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने जैसा होगा। इसका अर्थ राहुल गांधी को अपने सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार करना भी होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि गठबंधन के लिए नए नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि गठबंधन के नए नाम के साथ ही नीतीश कुमार को इसका राष्ट्रीय संयोजक बनाने की तैयारी है। चूंकि वर्तमान में विपक्षी दलों को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार ने ही निभाई है, यही कारण है कि उन्हें ही इसका राष्ट्रीय कन्वेनर बनाया जा सकता है। हालांकि गठबंधन सूत्रों का अनुसार राष्ट्रीय कन्वेनर के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार और राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव के नाम पर कहीं ज़्यादा सहमति है, लेकिन दोनों ही नेताओं के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बाकी दोनों नेता उन्हें अपनी राय से मार्गदर्शन करते रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।